अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किचन विद आपी में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही आसान और जल्दी से तैयार होने वाली व्हाइट चना पुलाव। व्हाइट चना पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, इनमें 250 ग्राम बॉयल छोले, 250 ग्राम ब्राउन प्याज, 4 टेबलस्पून दही, थोड़ा सा मिक्स साबुत गरम मसाला, एक बड़े साइज का टमाटर, हाफ टेबल स्पून बादियान का पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा, 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, नमक हस्बे जरूरत, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 4 साबित हरी मिर्चें, 750 ग्राम राइस जिसे इस कप से मैयर किया है, और 5.5 कप उबले हुए छोलों का पानी। सबसे पहले एक भगोने में 1 कप ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा, थोड़ा सा साबित गरम मसाला और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनेंगे और फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। फिर हम इसमें 250 ग्राम ब्राउन प्याज, 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 4 टेबलस्पून दही, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्चें और नमक का इस्तेमाल हस्बे जरूरत करेंगे। और अब इन तमाम चीजों को हल्का सा भूनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अब हम इसमें बॉयल छोले डालेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। फिर हम इसमें 1/2 टेबल स्पून बादियान का पाउडर और 1 बड़े साइज का टमाटर डालेंगे और इन तमाम चीजों को बहुत अच्छा मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हम व्हाइट चना पुलाव बना रहे हैं, इसलिए हमने मसालों को थोड़ा लाइट रखा है। और अब हम इसे 2 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। अब हमने राइस को 15 मिनट्स के लिए पानी में भिगो दिया है और अब हमारा व्हाइट चना पुलाव का मसाला बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसमें 5.5 कप उबले हुए छोलों का पानी डालेंगे और आप सादा पानी भी डाल सकते हैं, 2 साबित हरी मिर्चें और नमक का इस्तेमाल हस्बे जरूरत करेंगे। और अब आप नमक की क्वांटिटी टेस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसमें राइस डालेंगे। फ्रेंड्स, ये 3 कप राइस है और हमने इसमें 5.5 कप पानी यूज किया है और फ्लेम को हाई रखेंगे जब तक राइस का सारा पानी खत्म ना हो जाए। फ्रेंड्स, 1/2 कप कम पानी डालने से ये राइस बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। और अब राइस का पानी खत्म हो गया है और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और राइस को अच्छी तरह चलाएंगे। और अब राइस दम के लिए बिल्कुल रेडी है। पहले हम अखबार से राइस को कवर करेंगे और फिर ढक्कन रखेंगे और फ्लेम को लो करके 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट बाद हमारा व्हाइट चना पुलाव बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, दम पर न्यूज़पेपर इस्तेमाल करने से राइस हमारे बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और आप न्यूज़पेपर की जगह सूती कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हम राइस को हर तरफ से अच्छी तरह चलाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे इस रेसिपी के मुताबिक कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही मजेदार सी खुशबू है इसकी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल किचन विद आपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।